लॉकडाउन 2 में भी दिल्ली सरकार लगातार जो है लोगों को राशन वितरण करा रही है। तस्वीरें आपको दिल्ली के रजौकरी पहाड़ी की बीएसएस कॉलोनी की दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय सेवा समाज सोसाइटी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो दिल्ली सरकार के दिए गए राशन को बाखूबी ज़रूरतमंद लोगों को वितरण करें। तो भारत समाज सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर लोगों को टोकन दिया गया और टोकन के माध्यम से यहाँ पर लोगों को यहाँ पर राशन वितरण किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनका कि राशन कार्ड नहीं बना है, तो आधार कार्ड के माध्यम से इन सभी लोगों को चिन्हित किया गया कि जिनके घर पर राशन की ज़रूरत है और उनको राशन वितरण किया जा रहा है। जो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा भेजे गए राशन को वितरण किया जा रहा है भारत समाज सोसाइटी और वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। आपको बता दें कि वहाँ पर स्थानीय निवासी महेंद्र पाल प्रधान के द्वारा लोगों का जो टोकन है वो बनाया गया, उसके बाद ये राशन वितरण किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखा गया, जो सोशल डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस बनाया गया और उसके बाद ही राशन वितरण यहाँ पर लोगों को वितरण किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के लिए जो यहाँ पर जो लोग तैनात होते हैं, होमगार्ड हैं, वो भी तैनात हैं। लगातार जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें, उसके बाद ही लोगों को राशन दिया जाएगा। आपको बता दें लॉकडाउन 2 चल रहा है और 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन की घड़ी में भी दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हर ज़रूरतमंद तक राशन वितरण करा रही है। अब देखिए तस्वीरों में यहाँ पर जो राशन वितरण किया जा रहा है उसमें आपको बता दें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, गेहूँ और तेल और मसाले, जो चीनी, ये सब चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। 1 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। भाई पीछे हो जाओ, पीछे लाल सर, पीछे हो आप, पीछे पीछे उतरो भाई, पीछे उतरो। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे सभी भाई। लाल टी शर्ट पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। सभी का नंबर आएगा, भागो मत भाई, आगे बढ़ोगे तब भी नहीं आएगा नंबर, जब भी आएगा जब 1 मीटर की दूरी बना के रखोगे। महेंद्र पाल प्रधान है। महेंद्र जी, किस तरीके से जो है आप लोग आज यहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हो, कितनी चीज़ें हैं जो दी जा रही इस डिब्बे में? इस डिब्बे के अंदर करीबन लगभग 12 किलो के आसपास है। इसमें 5 किलो चावल है और 5 किलो इसमें आटा है, दलिया है, सरसों का तेल है, मसाला है, सारे मसाले हैं और चने की दाल है, सारा मिला के मतलब 12-15 किलो के आसपास में ये बॉक्स है हमारा। किसकी तरफ से ये आप? ये दिल्ली सरकार की तरफ से है। हमने तहसीलदार साहब को रिक्वेस्ट करी थी, तहसीलदार हरीश जी को, अब नई दिल्ली, उनको तो रिक्वेस्ट करी थी। हमारे यहाँ से पब्लिक बहुत है, गरीब आदमी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके पास में, और उन्होंने हमारी सुनी, हमने लिस्ट बना के दिया था उनको और उन्होंने ये सुना। अच्छा, ये टोकन के द्वारा आप लोग दे रहे हैं तो किन लोगों को दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, किराएदार लोग हैं। ये किराएदार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और पेंशनर नहीं है, लेबर कार्ड नहीं है इनके पास, जिसके दिल्ली सरकार की या सेंट्रल सरकार की या MCD की कोई फैसिलिटी या कोई फाइनेंसी उनको हेल्प नहीं है, इसे उनके लिए दिए जा रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग? दिहाड़ी मजदूरी वाले सारे लोग। सर, तो कितने लोगों का देंगे और कितने लोगों की ज़रूरत है आप लोगों को? हमने यहाँ पे करीबन आज हम 350 लोगों को देंगे और हमने हमारी जो रिक्वायरमेंट थी करीबन 900 लोगों की थी। अच्छा, तो हमारे पास अभी आधा आया है, तो हम जैसा आया उनको डिस्प्यूट कर। अच्छा, ये इतने नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश सिंह है। कैलाश जी, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं और कितने लोगों को करा रहे हैं? ये लगभग हमने 900 की लिस्ट बनाई थी, जिसमें 300 के लगभग किटे आए हैं, और हम ये यहाँ पे बहुत गरीब तबका के लोग रहते हैं जिनको सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, उन लोगों को हमने लिस्ट बनाई है। वो बेचारे बहुत परेशानी से ज़िंदगी काट रहे थे और उनको कुछ राहत मिलेगी, और हम दिल्ली सरकार की उनकी मेहरबानी समझते हैं कि जो इन गरीब लोगों की सुनी और ये राशन दिया हमें और हम इनको लोगों को वितरित कर रहे हैं। अच्छा, पहाड़ी पे कोई और जिस तरीके से सुविधा कोई आप लोगों को मिली और किसी सरकारी सुविधा मिली अभी तक इतने में लॉकडाउन में? नहीं, अभी तो इससे ऐसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिली है। ठीक, आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को जो राशन है वो वितरण किया जा रहा है। ये 12 से 13 किलो का जो पैकेट है, इसमें ज़रूरी का जो सामान है घर गृहस्थी का, वो यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जिसको कि रजौकरी पहाड़ी पर बनी भारत समाज सोसाइटी की तरफ से वितरण किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली सरकार ने लगाई है और यहाँ पर यही जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ पर सभी लोग नज़र आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है।